last method of studying correlation, that is concurrent deviation method. Concurrent deviation method. देखिए अब यहां पे जितने भी हमने मेथड्स डिस्कस किए थे ग्राफिक और एल्जेब्रिक में स्कैटर ग्राफिक कार्ल पियर्सन उसके बाद हमने रैंक और ये था हमारा को कंकरेंट डेविएशन मेथड. ओके तो कंकरेंट डेविएशन मेथड में हम क्या करेंगे. देखिए ये जो मेथड है हमारा ये डायरेक्शन ऑफ चेंज जो आपके पास दो पेयर्ड होते हैं वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन टू पेयर्ड वेरिएबल्स. द कोरिलेशन कॉफिशियंट बिटवीन टू सीरीज ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज इज कॉल्ड कॉफिशियंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन. ये मेरा फॉर्मूला है आरसी इज इक्वल टू प्लस माइनस फिर दोबारा से प्लस माइनस टू सी माइनस एन डिवाइडेड बाई एन. ये आरसी का मतलब यहां पे कॉफिशियंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन. सी का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस आफ्टर मल्टीप्लाइंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज. थोड़ी देर में आपको ये बात समझ आएगी. एन होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कंपेयर्ड. कंपेयर्ड ध्यान रखिएगा यहां पे. और अब आप बोलेंगे ये प्लस माइनस क्यों लिए गए हैं. ये प्लस माइनस आपके अंडर रूट में टू सी माइनस वन से पहले लिए है कि नेगेटिव जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाए. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके वो पॉजिटिव बन जाएगी क्योंकि जो आपके पास अंडर रूट नेगेटिव का अंडर रूट जो है वो वी कैन नॉट टेक द अंडर रूट ऑफ माइनस आइटम्स इसलिए ये प्लस और माइनस का यूज किया गया है. आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं फिर उसके बाद आपको ये सारी बातें दोबारा समझ. कैलकुलेट कॉफिशियंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. एक्स इज इक्वल टू 59 69 39 49 एंड 29. Y is equal to 79, 69, 59, 49 and 39. यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे X वेरिएबल को यहां पे लेकर के 59, 69, 39, 49, 29. डायरेक्शन ऑफ चेंज अगर तो ये बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे अगर कम होगा तो माइनस लिखेंगे. अब देखिए इसमें ये तो वैल्यू कंपेयर नहीं होगी तो 59 को 69 में क्या हुआ जी प्लस फिर 39 कम हो गया तो माइनस 39 से 49 क्या हो गया बढ़ गया इसलिए प्लस 49 से 29 कम हो गया तो ये माइनस. आपने बस डायरेक्शन ऑफ चेंज देखनी है. उससे से वाई आ जाइए 79 69 59 49 39 सारे क्या है कम हो रहे हैं इसलिए माइनस 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 एंड माइनस. ये डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डी वाई यहां पे डी एक्स उसके बाद है डी एक्स इंटू डी वाई तो प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो गया आपके पास. इस तरह से आपके पास क्या है ये डी एक्स डी वाई आ गया. अब सी मैंने आपको क्या बताया था सी का मतलब है कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज. ये देखो एक्स सीरीज और वाई सीरीज की जो चेंज मल्टीप्लाई करने के बाद जो चेंज की सीरीज होती है उसके बाद जो है जो पॉजिटिव साइन होगा तो यहां पे कितने साइन है सिर्फ दो पॉजिटिव साइन है तो सी इज इक्वल टू टी टू. तो आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस टू सी माइनस एन डिवाइडेड बाई एन विच इज इक्वल टू प्लस माइनस टू इंटू टू क्योंकि सी टू है फोर. जितने फोर का मतलब है जितने मैंने पेयर्स कंपेयर किए तो कितने किए वन टू थ्री एंड फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर तो विच इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई फोर विच इज इक्वल टू जीरो. अब मुझे लगता है कि अब आपको ये सी का पता चल गया एन का भी पता चल गया और आर सी और प्लस माइनस का यूज क्यों करते हैं ये पता चल गया. तो दिस इज वेरी सिंपल मेथड लेकिन इसमें जो मेन लिमिटेशन आपको बताऊं आप देखिए यहां पर अगर मैं 59 से 69 तो भी प्लस होगा. अगर मैं 59 से 60 लिखूंगा तो भी प्लस होगा. अगर मान लो मैं यहां 59 से 690 ले जाऊं तो भी प्लस ही होगा. तो इस तरह से क्या है कि थोड़ी सी भी चेंज होगी ज्यादा चेंज उसको कोई काउंट नहीं कर रहा है. जो भी चेंज हो रही है बस उसी को किस में काउंट कर रहा है वो प्लस हवा है
बाकी कोई चेंज, बट दिस इज ए मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड. अब देखिए, अब आपको थोड़ी सी एनालिटिकल प्रॉब्लम्स बताते हैं जो भी अभी अब तक हमने डिस्कशन करी थी. कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इज इक्वल टू 9.6, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू 16. ठीक है जी. तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या दे रखा है, वेरियंस दे रखा है. वेरियंस कितना है, 9. 9 का अगर वेरियंस दे रखा है आपके पास, ये वेरियंस का साइन हो गया, उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, आपके पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो गया. उस तरह से वेरियंस आपके पास दे रखा है और वेरियंस का अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, पहले पढ़ा है हमने. तो इस तरह से 9 का अंडर रूट, ये 9 आपका वेरियंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा अंडर रूट बनकर 3, या 16 है तो 4 बन जाएगा. और फॉर्मूला आपको पता है, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई होता है. तो यहां मेरे पास कोवेरियंस कितना है, 9.6, और ये 3 × 4 विच इज इक्वल टू 0.8. उसी तरह से आप केस बी में आ जाइए, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 135, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू 9, एन इज इक्वल टू 25. तो यहां पे हमें मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पे दोबारा वेरियंस आ गया, तो 4 का अंडर रूट 2, और यहां पे वेरियंस मेरा 9 है, 9 का अंडर रूट कितना हो गया, 3 हो गया. सो आर इज इक्वल टू, अब मेरे पास यहां पे आर सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. तो एन मेरे पास कितना है, 25 है, इंटू 2 × 3 विच इक्वल टू 0.9. अब देखिए, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल 288 है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1296 है, सिग्मा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1600 है. तो डेविएशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, अगर है तो मेरा फार्मूला आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वेयर इंटू सिग्मा वाई स्क्वेयर. तो 288 1296 इंटू 1600 मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल करके मैंने 40, तो ये मेरे पास 0.02 आ जाता है. उस तरह से अब मेरे पास सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू -40, सिग्मा एक्स इक्वल टू 4, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4, सिग्मा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 44, सिग्मा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 44, एन इज इक्वल टू 8. डेविएशंस हैव बीन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, कोई बात नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बना देते हैं. तो सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई एन, सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई एन. वैल्यू पुट करी हमने, -40 -4 × 4 डिवाइड बाई 8, 44 -4 स्क्वेयर डिवाइड बाई 8, 44 -4 का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 8. तो इस तरह से मेरा -42 डिवाइड बाई 42 × 42 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 42 आएगा, अंडर रूट खत्म, रिजल्ट क्या आ गया, -1 आ गया. अब उसी तरह से अब हमारे पास सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द डिफरेंसेस इन आर रैंक्स इज इक्वल टू 33, एन इज इक्वल टू 10. सो आर इज इक्वल टू 1 − 6 सिग्मा डी स्क्वेयर डिवाइड बाई एन क्यू माइनस एन. 6 − 6 सिग्मा डी स्क्वेयर कितना बोल रहा है रैंक्स, 33 डिवाइड बाई 10 का रेस्ट पावर 3 − 10 विच इज इक्वल टू 1 − 198 डिवाइड बाई 990 विच इज इक्वल टू 1.02 और +0.8 आ गया. उस तरह से मान लीजिए कि आपके पास है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन सी इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 10. तो कंकरेंट डेविएशन आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू, अब आपको पता 2c, ठीक है, -n डिवाइडेड बाई 10. इस तरह से क्या हो गया, -10, अब -, तो इस तरह से अब मेरे पास अंडर रूट क्या बन गया जी मेरा, -1. ओके, उसी तरह से नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 10. तो फॉर्मूला प्लस माइनस 2 × 10 − 10 डिवाइड बाई 10. तो 20 − 10 इज इक्वल 10, प्लस माइनस 10 इंटू डिवाइड +1. ओके, अच्छा, उसके बाद एक और कर लेते हैं. द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0.6, देयर कोवेरियंस इज 18.
द वेरियंस ऑफ एक्स इज 25, फाइंड द वेरियंस ऑफ वाई सीरीज. ओके, सो को वेरियंस सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट 5, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. तो विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन इंटू 1 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होता है. सिग्मा एक्स वाई डिवाइड एन कितना है जी, 18 है. सिग्मा एक्स कितना है, 5. आर इज इक्वल टू 0.6. तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरी पुट आ गई, तो ये मेरा कितना आ गया, 0.6 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 5 स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. तो अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया मेरा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इज इक्वल टू 18. तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इज इक्वल टू 18 बाई 3 विच इज इक्वल टू 6. ठीक है, अब वेरियंस ऑफ वाई सीरीज इज इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कितना हो गया जी मेरा, 36 हो गया. इस तरह से क्या था कि ये हमारे जितने भी अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की थी उसमें थोड़ा थोड़ा अगर आपको इधर के उधर अगर कुछ कर दिया जाता है तो जहां पे आप एनालिसिस कर सकें किसी प्रॉब्लम का, तो वो बातें अब आपके वो भी हमने क्लियर कर दी. तो इस तरह से क्या है कि अब हमारे पास जो मेथड्स ऑफ स्टैंडिंग ऑफ कोरिलेशन में थे, स्कैटर भी कल ग्राफिक भी हो गया, कार्ल पियर्सन भी, रैंक भी और कंकरेंट डेविएशन मेथड भी हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम रिवीजन करते हैं कोरिलेशन का, जितना भी डिस्कशन हमने इससे पहले करी थी. कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच ए वे दैट चेंज इंक्रीजेस ए कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन अदर, देन वेरिएबल्स आर सेट टू बी कोरिलेटेड. दीज आर द एग्जाम्पल्स, हाइट्स एंड वेट्स हो गया, क्वांटम ऑफ रेनफॉल एंड वीट हो गया, प्राइस एंड डिमांड हो गया, देन डोज ऑफ इंसुलिन एंड ब्लड शुगर्स. ये हमारे यूजेस हैं क्योंकि अब हमें इकोनॉमिक थ्योरी में और बिजनेस स्टडी के रिलेशनशिप में वेरिएबल्स में रिलेशनशिप जैसे प्राइस और क्वांटिटी और मतलब प्राइस और डिमांड का जो है उसी तरह से कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प्स इन ड्राइविंग प्रिसाइसली द डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप. द इफेक्ट ऑफ कोरिलेशन इज प्रोड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ आवर प्रोडिक्शन, क्योंकि अगर गलती ना हो जाए, क्योंकि बिजनेस में हमारा फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है तो हमें प्रिडिक्ट करना है, क्योंकि कोरिलेशन के बाद ही हम रिग्रेशन पढ़ेंगे और रिग्रेशन सारा प्रिडिक्शन के ऊपर है. द प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन कोरिलेशन एनालिसिस विल मोर रिलायबल एंड नियर टू रियलिटी. उसके बाद ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन जो हमने आपको बताया था कि बोथ द वेरिएबल्स आर वेरी इन द सेम डायरेक्शन, कोरिलेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव. इफ वन वेरिएबल इंक्रीज अदर आल्सो increases, if one variable decreases the other also decreases, then two variables are said to be positive, but if both of the variables are vary in the opposite direction, correlation is said to be negative. If one variable increases the other decreases, if one variable decreases the other also increases, then the two variables are said to be negative. सो ये हमने आपसे टाइप्स बताया था, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, और ये आपके हमने मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन थे, ग्राफिक और एलजेब्रिक मेथड्स. ये हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड जो आपको डिटेल में बता के दिया था, और ये स्कैटर प्लॉट्स जो डाटा विद वेरियस कोरिलेशन कोएफिशिएंट है. यहाँ देखिए डायरेक्शन जो है माइनस वन की है, ये भी माइनस वन की है लेकिन नेगेटिव है, यहाँ जीरो है, लाइन पैरेलल है, यहाँ ये पॉजिटिव की है लेकिन यहाँ परफेक्ट है, आर इज इक्वल टू वन है. तो ये दीज आर द फीचर्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रेंजेस बिटवीन माइनस वन एंड वन, क्लोजर टू माइनस वन द स्ट्रॉन्गर द नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप, क्लोजर टू वन द स्ट्रॉन्गर द पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, क्लोजर टू जीरो द वीकर एनी पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, and the value of r lies between 1 and minus 1. ये आपको हमने summary table से बताया था, r is equal to 0, कोई relationship नहीं है, 0.75 से लेकर के 0.1 तक high positive, और उधर चले जाएँ तो negative correlation आ जाता है आपके पास, और ये moderate आ गया आपका 0.5 से 75, और minus 5 से आपका moderate negative चला जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. इस तरह से लो पॉजिटिव, और ये आपको हमने एक समरी बना के दी थी.
तो कोरिलेशंस को जाने से पहले हमने आपको कोवेरियंस बताया था, ये कोवेरियंस सिग्मा एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन है, चॉइस ऑफ स्केल है, कोवेरियंस लाइज बिटवीन नेगेटिव इन्फाइनिटी टू पॉजिटिव इन्फाइनिटी, एंड इन अदर वर्ड्स कोवेरियंस में भी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो, ये आपको न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करके दिए थे आपको, नंबर ऑफ पेयर्स, और ये आपका कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन है आपके पास, ये फार्मूला है हमारे पास, टेन हाउ दिस इज़ टू बी कैलकुलेटेड। मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन है, इंडिपेंडेंट चॉइस ऑफ स्केल है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, ये हमारी अजम्पशंस थी, देर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए और साथ में नॉर्मेलिटी होनी चाहिए। द कोरिलेशन कॉफिशियंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, द कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कॉफिशियंट्स। मेरिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन्स कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन गिव्स डायरेक्शन एज वेल एज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन अलॉन्ग विद अदर इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रडिक्शन के लिए होगा। ये हमारी लिमिटेशन है, अजम्पशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप जो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, टाइम कंज्यूमिंग, अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड इट रिक्वायर्स केयरफुल इंटरप्रटेशन। ये आपको क्वेश्चन हमने सॉल्व किया करके दिया है। इसके बाद ये हमारे पास बाईवेरिएट एनालिसिस आ जाते हैं, और ये मैंने प्रोबेबल एरर आपको नहीं बताया अभी, आगे बताऊंगा जहाँ ज़रूरत होगी। ये कॉफिशिएंट ऑफ आपका डिटर्मिनेशन जो आपसे बात करी थी, एक्सप्लेन वेरियंस एंड अनएक्सप्लेन वेरियंस, ये आपका आर इज इक्वल टू 0.8, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, इट मीन 64% वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कॉफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन जो कि अनएक्सप्लेन वेरियंस होता है, दैट इज अनएक्सप्लेन। अब जैसे यहाँ 0.64 था तो 64% वाज एक्सप्लेन बट 36% वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। ये हमारा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर डिवाइड बाई एन क्यू -1, और ये मैंने आपको बताया था कि अगर जब टाई पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स रैंक्स आर रिपीटेड, नंबर तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजर्वेशन, आर इज इक्वल टू कोरिलेशन कॉफिशियंट, उसमें हम एम क्यू -m को जो है वो ऐड करते रहते हैं। ये टू जजेस का न्यूमेरिकल आपको हमने सॉल्व करके दिया है। ये आपके फीचर्स आ जाते हैं, स्पीयरमैन कोरिलेशन कॉफिशियंट इज बेस्ड ऑन रैंक्स रादर दैन एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, फ्री एंड नॉन पैरामेट्रिक बिकॉज नो स्ट्रिक्ट अजम्पशंस आर मेड अबाउट द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल ऑब्जर्वेशन आर ड्रॉन, उसी को हम नॉन पैरामेट्रिक बोलते हैं। सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स विल बी 0, इट कैन बी इंटरप्रेटेड लाइक कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1। दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अप्लाई, सूटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा, सूटेबल फॉर अबनॉर्मल डेटा, ओनली मैथड्स फॉर रैंक्स एप्लीकेबल इवन फॉर एक्चुअल, दोनों के लिए अप्लाई है। ये लिमिटेशन है इसकी, इट इज़ टीडियस कैलकुलेशन है और अप्रोक्सीमेशन की तरफ चलता है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, वहाँ पर आपने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फार्मूला लगाना होता है, एंड क्वालिटेटिव डेटा आर गिवन। दिस इज़ आवर कंकरेंट डेविएशन जो हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है दो पेयर के बीच में, और ये हमारा फार्मूला जो आपको हमने बताया डिटेल में, आपसे डिस्कशन करी है, बस यही है कि दिस मेथड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल एंड बिग चेंजेस जो आपको मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था। सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू कैलकुलेट है, सूटेबल फॉर लार्ज एन है, ये आपको कैलकुलेशन करके डिटेल में आपको हमने बताया था। तो ये था हमारा जो कोरिलेशन की एक तरह से जो समरी की ज़रूरत थी हमें, वो समरी हमने आपको बता दी।